उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षकों का आकरण मानदेय बंद करने से आक्रोशित होकर वित्त विहीन महासभा के पदाधिकारियों ने आज जिलाधिकारी कार्यालय जलौन में एकत्रित होकर जिलाधिकारी जलौन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए ज्ञापन सौंपा है, जिसमें सरकार की बदखिलाफी और मानदेय न देने के साथ साथ परीक्षा का पारिश्रमिक का बहुत कम देने का आरोप लगाया गया है और साथ ही सरकार द्वारा बनाई गई केंद्र निर्धारण नीति में द्वेष भाव से राजकीय एवं स्वीकृत विद्यालयों को ही वरीयता देना वो एसटीएफ लगाने की धमकी देकर छात्र छात्राओं एवं परीक्षकों में भय का वातावरण बनाना है, जिससे आज का शिक्षक आक्रोश में है और सरकार के भेदभावपूर्ण व्यवहार से शिक्षकों को आहत हुआ है। इसलिए शिक्षक सरकार के किसी भी कार्य में सहयोग नहीं करेंगे, न तो बोर्ड परीक्षाओं में ड्यूटी करेंगे और न ही मूल्यांकन में भाग लेंगे। बोर्ड परीक्षा ड्यूटी एवं मूल्यांकन का बहिष्कार करेंगे। क्या मामला? प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के वित्तीय शिक्षकों का मानदेय बंद कर देने के कारण शिक्षकों में बहुत आक्रोश है। इसलिए शिक्षक इस बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी का बहिष्कार करेंगे और जब तक सरकार मानदेय की व्यवस्था बजट में नहीं कर देती है तब तक ये विरोध प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा। अभी तो केवल ड्यूटी से शुरुआत है। अगर वास्तविकता में इस बजट में व्यवस्था मानदेय की ना की गई तो मूल्यांकन का भी बहिष्कार हम लोग करेंगे। उत्तर प्रदेश के जलौन से अनुज पाटकर की रिपोर्ट।